इनके लब रंगी मिठावर के जिसने इब्राहिम सईद हैं, मालूम ये करते हैं कि दिन हो या रात हो, सोकर उठते हैं तो निशान कपड़े पर होता है, तो ये मालूम नहीं चलता कि मनी का है या मज़ी का है। तो ऐसी सूरत में क्या गुसल वाजिब होगा या नहीं? और ये सूरत अक्सर लोगों के साथ जो है ना वो पेश आती भी है कि वो मनी समझें या इसको मज़ी समझें। अगर पेशाब की जगह पर सफ़ेद निशान या इस किस्म का कोई धब्बा सोकर उठने के बाद पाया जाए, तो इसमें देखें अगर ऐसा है कि जब आप सोए थे या सोने के करीब थे उस वक्त कोई ऐसा मामला था सोते वक्त शहवत का जिसमें गलबा हो, या जहन में कोई ऐसी बातें थीं जो कि मज़ी के निकलने का बाइस बनती हों, तो अगर ऐसी चीज़ें थीं सोते वक्त और ऐसी सूरत में सोया गया फिर जब उठा जाएगा तो अगर ऐसा निशान हो तो इसमें देखना होगा गुमान गालिब करके कि ये क्या चीज़ समझ में आती है। अगर एहतलाम होना बिल्कुल याद नहीं और ये गुमान है कि सोते वक्त इस किस्म की बातें जहन में थी या ऐसा कुछ देखना पढ़ना सुनना जहन में था और ये उसी के असरात हैं यानी मज़ी के असरात हैं, जन गालिब यही है, तो इस सूरत में वो मज़ी समझी जाएगी। और अगर ऐसा है कि सोते वक्त ऐसी कोई भी चीज़ जहन में नहीं थी, बंदा नॉर्मल हालत पे सोया, दूसरे कोई काम में मसरूफ़ था और फिर जिस तरह सोता है वो बिना किसी ख्याल के या बिना कोई ऐसी चीज़ पढ़े सुने देखे कि जिससे मज़ी निकल जाए और वो बंदा सो गया बिना कुछ ऐसा काम किए, या फिर जो चीज़ पहले निकल चुकी थी सोने से पहले मज़ी उसको साफ़ कर लिया गया हो, अब क्योंकि कपड़े पे किसी भी किस्म का कोई मामला नहीं है, अब ये जब शख्स सुबह सोकर उठा इसने देखा कि कपड़े पे निशान है, अब अगर इसको शक होता है कि ये मनी है तो फ़कत शक से ही इस पे गुसल वाजिब हो जाएगा, तो ऐसी सूरत में गुसल वाजिब है, उसको गुसल को करना चाहिए। और जब जाहिर है कि कपड़े पे निशान एक दिरहम से ज़्यादा होगा तो फिर इस सूरत में उस कपड़े को भी धोना पड़ेगा। तो आप ये देख लें कि आपने कहा सोते वक्त अगर कपड़े पे किसी के इस तरीके के निशान होते हैं तो सोने से पहले की हालत क्या थी, सोने से पहले की हालत अगर ये थी कि उसमें किसी किस्म की कोई जहन में ऐसी बात थी ही नहीं बिल्कुल भी कि जिससे कोई कतरे वगैरह निकलते हों, फिर उसके बाद अगर देखा कि निशान मौजूद हैं और लगता भी ये है कि हाँ ये मनी के हो सकते हैं, तो फ़कत एहतमाल मनी से भी गुसल वाजिब हो जाएगा। तो एहतमाल मनी भी जो है ना वो गुसल के वाजिब करने के लिए यहाँ पर दुरुस्त है। बाकी अगर ये कि पहले से मौजूद था कोई ऐसा जहन में बात कि जिसके लगते हैं कि उसी के कतरात हैं तो फिर आप देखें कि ये मनी है या मज़ी है, तो इस सूरत में इसमें जो है वो पहचान की जा सकती है। और बाज़ मामले ऐसे होते हैं यानी ख़ासकर ये कि जिसमें मनी होती है या गुसल वाजिब हो जाता है और बंदे गुसल जो है वो नहीं करते, तो वो सूरत यही है कि वो सोते वक्त कोई चीज़ जहन में भी नहीं होती, नॉर्मल सोते हैं और सुबह कपड़ों पर निशान होता है, तो फिर ऐसी सूरत में उनको गुसल कर लेना चाहिए। इनके लब रंगी।